हेलो गाइस, वेलकम टू तीजी मेडी न्यूज़। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल के ऑफिशियल रिव्यू के बारे में और बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैप्टन मार्वल पर्सनली मुझे कैसी मूवी लगी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब मैं ये मूवी देखने गया था तो फाइनली मेरा एग्जाम था, और एग्जाम की बात करूँ तो ये मैं मूवी देखने गया बिना किसी को बताए हुए, यानी कि मैंने घर पर नहीं बताया था किसी को, और फाइनली मैं एक फ़ैन बन के गया था इस मूवी को। देन बिल्कुल ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इस मूवी में क्या होने वाला है। देन मुझे जितने भी स्पॉइलर पता थे मैं उन सबको भूल के इस मूवी को देखने गया, और जब ये मैंने मूवी देखी एक फ़ैन के नाते, तो बस मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि आपको ये मूवी एक टाइम तो देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मूवी बार बार देखने लायक है, जैसा कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर है जिसका 100 टाइम रिकॉर्ड बनाया गया है, पर कैप्टन मार्वल मूवी ऐसी नहीं है। अब इस मूवी को एक बार देखने के बाद इसे दूसरी बार देखने का मन नहीं करेगा। पर्सनली मूवी सही है, ठीक ठाक है, पर स्टोरी काफ़ी वीक थी, ज़्यादा मज़ा नहीं आया स्टोरी में। शुरुआत में काफ़ी स्लो थी, फिर बाद में एंडिंग में थोड़ा तो हर मूवी मार्वल की हाइप पकड़ती है, उठती है, तो ठीक ठाक थी, ओके थी। और देन कैरेक्टर की बात करें तो कैप्टन मार्वल में जितना ज़्यादा बोल रहे थे केविन फाइगी कि उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कैप्टन मार्वल में, क्योंकि अगर मैं देखना चाहूँ एमसीयू में सबसे पावरफुल सुपर हीरो तो वो मेरी नज़र में होगा थॉर। जी हाँ, इंटेलिजेंस में देखा जाए तो हमारा रॉबर्ट डॉनी जूनियर या शुरे, तो ये कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि दिल को छू जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इनके लिए बने हैं, पर मुझे कैप्टन मार्वल मूवी देखने के बाद कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आई, और फाइनली इस मूवी ने थोड़ा सा मुझे निराश करा। बट अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो पर्सनली मैं कहना चाहूँगा आप मार्वल फैंस हो, आपको वन टाइम ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी इतनी भी बुरी नहीं है कि आप इसे थिएटर में ना देखो। तो हाँ, मूवी अच्छी है, VFX अच्छी है, एक्शन सीन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, पर इस मूवी की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इस चीज़ से ये थोड़ी ज़्यादा डाउन पड़ जाती है। और देन अगर कलेक्शन की बात करी जाए तो मार्वल की मूवी है टॉप तो जाएगी। तो गाइस, ये था मेरा रिव्यू। और देन एक अपडेट मेरे चैनल से रिलेटेड, तो फाइनली यूट्यूब से 3rd स्ट्राइक मेरे चैनल पे हट चुकी है, जो कि आई थी एवेंजर एंड गेम के लाइव स्ट्रीम द्वारा, जो कि यूट्यूब ने भेजी थी क्योंकि मैं मार्वल स्टूडियो के एवेंजर एंड गेम के ट्रेलर को स्पॉइल कर रहा था। और एक अपडेट है ब्लैक विडो से रिलेटेड, तो ब्लैक विडो मूवी में एमा वॉटसन, जी हाँ, इस मूवी में हो सकती हैं। अभी हाल ही में जो रिव्यूज़ आ रहे हैं और जो स्पॉयलर्स आ रहे हैं कि वो एमा वॉटसन इस मूवी में होंगी। जैक स्नाइडर की अपकमिंग मूवी आर्मी ऑफ डेड काफ़ी कमाल की मूवी है, और इस मूवी में वो 100% ज़ॉम्बी खतरनाक वाले लाने वाले हैं। और फाइनली कैप्टन मार्वल को सिनेमा स्कोर ए मिला है, ना कि माइनस ना कि प्लस, तो एवरेज मूवी बताया जा रहा है, पर ए भी बहुत अच्छी बात होती है। केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि स्टैनली एवेंजर एंड गेम में भी होंगे, और ये कैमियो उनका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्वल फैंस के लिए, जैसा कि कैप्टन मार्वल में हुआ था। देन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की फाइनली ईयर बुक लॉन्च हुई है, जो कि इंडियन फोटोग्राफर पहले ही खींच के रख लेते हैं कि ये कैरेक्टर कैसा लगेगा कॉस्ट्यूम में। और देन अगला अपडेट है एवेंजर एंड गेम से रिलेटेड, प्रॉपर फाइनली एवेंजर एंड गेम की एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और रूसो ब्रदर ने ये ऑफिशियल खुद कंफर्म करा है, एवेंजर एंड गेम की एडिटिंग कंफर्म हो चुकी है। उन्होंने ये पिक ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे डाली थी, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और देन उन्होंने काफ़ी सारे स्नैक्स भी खाए थे, काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें हैं उस चीज़ों में। तो फाइनली रूसो ब्रदर ने बताया है कि एडिटिंग काफ़ी कमाल की, हमने कोई भी ऐसे अनसीन कट नहीं करे हैं, या फैन को हमने कोई निराशाजनक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाले। तो गाइस, ये थे वो काफ़ी कम के अपडेट। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।